हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो ड्रेस मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया आपको, जो स्टिच किया था, उसकी लेस ना काफ़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर दूसरी वाली लेस लगा दी है, क्योंकि ना उसका लुक थोड़ा सा अलग लग रहा था और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि मेरे पास लेस रखी थी, जो मैंने टॉप के लिए, जो ट्राउज़र के लिए यूज़ किए, वही लेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो साथ में सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपना दुपट्टा है उसको स्टिच कर लिया है, तो इस तरह से मैंने इसके अंदर लेस लगा दी है इसके ऊपर से, तो पहले से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर मुझे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताना कि ये वाली लेस अच्छी थी या फिर ये वाली, क्योंकि ये जो है अभी मैंने इसकी ट्राउज़र और जो कुर्ता है उसके ऊपर भी लगाया है, इसके इसी लेस की मैंने डिज़ाइनिंग की है, तो मुझे लगता है कि ये अभी अच्छी है। अगर वोल वाली लेस लगाती तो वो भी अच्छी थी, बट बहुत ही ज़्यादा वो सिंपल थी और एक ही वॉश में वो ख़राब हो जाने वाली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा कि जब एक बार काम कर रहे हैं तो अच्छे से ही हो जाए। तो दुपट्टा मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप बताना कि आपको कैसा लगा, जब इसको पहनेंगे पता नहीं कैसा लगेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका जो दुपट्टा है, इसमें सीक्वेंस, पूरा जो दुपट्टा है वो सीक्वेंस का काम किया गया है, और जो कुर्ता है उसमें काफ़ी कम काम किया गया है, लेकिन दुपट्टे पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो चलिए, जो मेरा और एक ड्रेस है वो सिल देते हैं। इसी तरह सारी कुकिंग मैंने कर ली है, बस थोड़े बहुत जो बर्तन है सीना, थोड़े बहुत ने कुछ ज़्यादा बर्तन थे, तो देखिए आज बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे। हसीन अपा भी बोल रहे थे कि भाभी आपने आज को काफ़ी ज़्यादा बर्तन निकाले हैं, क्योंकि बर्तन इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि स्टिचिंग करनी थी एक, तो हसीन अपा को वही बोला मैंने, हसीन अपा आने के पहले ही मैंने सारी कुकिंग कर ली थी, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जब हसीन अपा आने से पहले कुकिंग हो जाती है। तो चलिए अभी मुझे उन बर्तनों को लगाना है, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर आऊँगी मैं स्टिचिंग करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं अपनी जो स्टिचिंग है वो शुरू करने वाली हूँ, और ये जो कपड़े हैं मैंने काफ़ी दिन पहले, यानी एक हफ्ता पहले ही मैंने कटिंग करके रखी थी, बस मेरे पास लाइनिंग नहीं था, तो लाइनिंग आ चुका है, तो अब मैंने स्टिचिंग करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने आपके साथ एक ड्रेस जो है शेयर कर दिया है, जो कि मैंने पर्पल वाला आपके साथ शेयर किया है, उसी तरह से मैंने इसको भी कट करके ही रखा था पहले से, बस लाइनिंग का इंतज़ार था, लाइनिंग आ गई थी, तो यहाँ पर अब लाइनिंग को मैंने कटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर बुकरम के साथ जोड़कर मैं अपना नेक बना रही हूँ, और ये जो ड्रेस है ना काफ़ी ज़्यादा, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा छोटा था, मेरी अम्मी को भी इतना समझ में नहीं आया, और जैसे मतलब हम खोल कर देखेंगे तभी समझ में आता, मेरी अम्मी ने भी खोला नहीं था वहाँ पर, भाभी ने भी नहीं खोला था, मेरी अम्मी ने मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया और मुझे एकदम से पसंद आया, दूसरा वाला पसंद किया था, बट मुझे ना मैंने अंदर से खोद खोद कर उनको बोला कि निकाल कर दिखाना, ऑटो में लेकर आए थे, तो मुझे ये पसंद आया था, और मैंने जब देखा तभी मैंने दिमाग में बिठा दिया था कि मुझे इस तरह से स्टिच करना है। तो मैंने इस ड्रेस को ले लिया, मतलब अम्मी से कहा कि यही वाला ले लेना, तो फिर अम्मी ने लिया तो था, बट मुझे पता नहीं था कि इसमें इतना छोटा कपड़ा आएगा, तो कपड़ा छोटा होने की वजह से मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से मैं अपनी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर रही हूँ, और मुझे ना स्टिचिंग करते करते वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है यार, मेरे पास इतना टाइम और इतनी जगह नहीं है कि मैं कैमरे को सेट करके वीडियो बनाऊं, जितना मुझसे जो हो पाता है ना मैं उतना ही सेट करके, देखिए जहां पर मैं बैठी हूं ना काफ़ी मुश्किल से मैंने वीडियो को लगाया है, मतलब अपना जो कैमरा है वो लगा कर वीडियो बनाया है, क्योंकि चलते फिरते अजमा यहाँ पर घूमती फिरती रहती है, जहाँ पर मैं बैठकर स्टिच कर रही हूँ वहाँ पर कैमरा सेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार मेरा जो ट्राईपॉड है वो गिर के टूट भी चुका है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस स्टिचिंग को कम्प्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल मैंने जो स्टिचिंग दिखाई थी आपको, थोड़ी बहुत ही दिखाई क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा पाई, बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। घर के सारे काम करके मैं स्टिचिंग पर बैठी थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि शूट करते अगर बैठूंगी तो मैं स्टिचिंग नहीं कर पाऊंगी। जब मेरी जल्दी जल्दी से स्टिचिंग होती है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो मैंने रात के 9 बजे तक तकरीबन पूरा जो मेरी स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर ली मैंने। फिर एक और एक जो ड्रेस था वो कंप्लीट हो गया है, तो दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैंने स्टिच किया है। और आज मैं घर को डीप क्लीन करने का सोच रही हूँ, अभी फ़िलहाल शुरू कर दूँगी। आपको जो कपड़े स्टिच किए वो पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना जो यहाँ का इस वाला पोर्शन को क्लीन कर लेती हूँ, जल्दी से डीप क्लीन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो स्टिच किया हुआ ड्रेस है वो यहाँ पर है। इसकी आइनिंग अभी बाकी है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टिच हो गया है। और ये जो है मैंने लेस इसमें लगाई हुई है, और क्योंकि ये जो कपड़ा था ना काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा था तो मुझे लगा कि मतलब हाइट में कम आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस लगाई है ताकि थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो और यहाँ पर नेक पे कुछ इस तरह का मैंने नेक बनाया है और इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा दी है ताकि थोड़ा और उठकर दिखे। और इसमें थोड़ा सा सिक्वेंस का काम है और कपड़ा इतना कम था ना कि इसमें स्लीव्स भी नहीं बन पाए। तो यहाँ पर जो कपड़ा सलवार में बचा था, जो इसकी ट्राउज़र है उसमें कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने इस तरह से ट्राउज़र में इसके स्लीव्स बना दिए हैं। देखिए ये है इसकी ट्राउज़र, ये ट्राउज़र है। ट्राउज़र का कपड़ा मुझे ना ये जो पार्ट है अंदर ही चला जाता है, तो इसमें से मैंने यहाँ ये जो कपड़ा था ट्राउज़र का यहाँ लगने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बच रहा था तो मैंने सोचा स्लीव्स बना लेते हैं। और यहाँ पर इसका जो कपड़ा कम बचा हुआ था मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इस तरह से ट्राउज़र पे भी लेसिंग वगैरह लगाई है, यहाँ पर छोटी सी लेस लगाकर ऊपर से लेस लगा दी है। और इसका जो दुपट्टा एकदम सिंपल सा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने उसको इस तरह से लेस लगा दी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेस के साथ में दुपट्टा, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन मैंने उसको कुछ इस तरह से किया है। बहुत ज़्यादा सिंपल कपड़े हो कॉटन के तो आप इस तरह से इसको करके थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं इसकी खूबसूरती को। तो ये जो ड्रेस है मेरी अम्मी ने मुझे हुबली से लिया था, तो मैंने ही सिलेक्ट किया था फ़ोन में देख कर, क्योंकि भाभी वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे मुझे। काफ़ी अच्छा लगा था ये, और मुझे पता नहीं था कि इस पर कपड़ा कम होगा। जो घर के पास आते हैं ना उनके पास से मेरी अम्मी ने लिया है, कोई आए थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका दुपट्टा देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरह से लेस लगाने से, पहनने के बाद इसका लुक ना काफ़ी अच्छा आने वाला है। हाइट कम होने की वजह से मुझे ना इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी पड़ी लेस के साथ में, वरना मैं कुछ और सोचा था मैंने। लेकिन इसमें ना लेंथ बहुत ज़्यादा कम हो रहा था लंबाई में, तो स्लीव्स जो है बहुत ही सिंपल मैंने बनाए हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन निकल कर आया है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपना जो ड्रेस है वो सिल दिया है। ये जो ड्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और मैंने जो डिज़ाइनिंग की है वो भी सिंपल वे में ही की है, बस इसमें लेस लगाई गई है और जो स्लीव्स है उसमें ही थोड़ा बहुत काम किया है, बाद में लेस लगाई है तो थोड़ी मेहनत मुझे स्लीव्स में लगी। बाकी जो है ड्रेस जल्दी से कंप्लीट हो गया और अच्छा लग रहा है कंप्लीट हो गया है। और काफ़ी लोगों को मेरी जो स्टिचिंग है वो पसंद भी आती है, और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं यूट्यूब पे भी। इसका ना जो नेक होता है, नेक में जो अंदर से मैंने यहाँ पर देखिए ये जो है ना खुला हुआ है, तो इसको स्टिच करना है, इसको लगाना है मुझे, मतलब हाथ की ये हाथ का काम होता है। स्टिचिंग का मतलब सिर्फ स्टिचिंग करना नहीं होता है, स्टिचिंग के बाद हाथ का काम भी होता है, यानी कि मशीन में सिलने वाली बात अलग होती है, हाथ से भी करना पड़ता है, तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। ड्रेस के मुझे काफ़ी अच्छे लगे डिज़ाइन, मैंने ऐसे ही बनाया, उसके बाद मैंने जब स्टिच किया तो तब मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे। तो आप बताना कि आपको ये स्लीव्स कैसे लगे। अब इनको पहनने की देरी है, तो जब स्टिच हो ही चुके हैं तो पहनेंगे भी, तो फिलहाल तो अब इसको रख देंगे।
चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने जो डीप क्लीनिंग की है घर की, वो व्लॉग जो है कल आएगा, क्योंकि इसी में मैं सोच तो रही थी कि सारी चीज़ें, मतलब सारे क्लिप्स इसी में ऐड कर देंगे, इसी में शेयर कर देंगे, लेकिन व्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होने लगा था, तो मैंने सोचा चलो इसको दो हिस्सों में कर देते हैं। तो आज मैंने बस जो स्टिचिंग की थी वही आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो घर की डीप क्लीनिंग होगी, किस तरह से मैंने की है। तो काफ़ी दिनों के बाद डीप क्लीनिंग करने को मिला है, टाइम निकाल कर मैंने क्लीन कर लिया है। तो बस अभी लंच का टाइम भी हो रहा है और ब्लॉग को एंड भी करना था, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।